इंश्योरेंस खरीदी जाए तो आने वाले वक्त में उसका बढ़िया रिटर्न मिल सकता है, और साथ ही अगर किसी वजह से जिंदगी रुक भी जाए तो लाइफ इंश्योरेंस परिवार को बुरे समय में फाइनेंशियली हेल्प करता है। लेकिन आपके मन में लाइफ इंश्योरेंस को लेकर जो डाउट्स हैं, सवाल हैं, उन्हें हम इस वीडियो के जरिए दूर करने की कोशिश करेंगे। साथ ही आपको बताएंगे कि लाइफ इंश्योरेंस खरीदते वक्त आपको किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। लाइफ इंश्योरेंस को लेकर जो सबसे पहली सोच लोगों के मन में आती है वो ये है कि मुझे अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाद में कभी ले लेंगे। ये सोच आपको दो तरीकों से नुकसान पहुंचाती है। पहला ऐसे कि लाइफ का कोई भरोसा नहीं है, लेकिन कम से कम आप इंश्योरेंस लेकर फाइनेंशियल सिक्योरिटी तो हासिल कर सकते हैं। दूसरा ये कि आपकी उम्र जितनी ज्यादा बढ़ेगी आपका टर्म इंश्योरेंस प्रीमियम उतना ज्यादा रहेगा। वहीं कम उम्र में इंश्योरेंस लेने का फायदा ये रहता है कि आप कम प्रीमियम पर पॉलिसी ले सकते हैं। साथ ही इंश्योरेंस मिलने के चांस तब ज्यादा होते हैं जब इंश्योरेंस कंपनी को आपकी इनकम को लेकर भरोसा रहता है कि आपके पास प्रीमियम चुकाने का रिसोर्स है। वहीं खराब सेहत के केस में या तो आपको इंश्योरेंस नहीं मिलेगा या फिर ज्यादा प्रीमियम भरना पड़ेगा। इसलिए वक्त रहते इंश्योरेंस ले लेना आपके लिए सही है। अब अगर आपने मन बना लिया है लाइफ इंश्योरेंस लेने का, तो जब भी आप लाइफ इंश्योरेंस का चुनाव करें तो अपनी जरूरतों को जरूर देखें। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि आप पर कितने लोग आश्रित हैं, यानी कि आप पर कितने लोग डिपेंडेंट हैं। लाइफ इंश्योरेंस लेते वक्त आपको अपनी उम्र का भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि उम्र के लिहाज से भी प्रीमियम और मैच्योरिटी अमाउंट अलग अलग हो सकता है। एक साल में आप कितना प्रीमियम लाइफ इंश्योरेंस में जमा कर सकते हैं, ये लाइफ इंश्योरेंस लेते वक्त एक अहम सवाल होता है। इसलिए अच्छा ये होगा कि आप अपनी इनकम के हिसाब से लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम चुनें। लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम जितना ज्यादा होगा रिटर्न उतना ही बेहतर होगा। हालांकि आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि अगर आपकी इनकम प्रीमियम राशि को पूरा करने के लिए काफी नहीं है तो इससे आप अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन पर जरूरत से ज्यादा बोझ ना डालें और ऐसा ही प्रीमियम चुनें जो आपकी इनकम के हिसाब से सही बैठता है। जिस कंपनी की आप बीमा खरीद रहे हैं उस कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशो कितना है, इस पर रिसर्च जरूर कर लें, क्योंकि जरूरत के समय फाइनेंशियल हेल्प प्रदान करने के अपने वादे को पूरा करने के लिए एक इंश्योरेंस कंपनी के इरादे और कैपेसिटी को दिखाता है। आपको कुछ हो जाने की स्थिति में आपके परिवार को पैसे कैसे मिलेंगे, इसके लिए आपको कई ऑप्शंस मिलते हैं। आप या तो रेगुलर पे आउट चुन सकते हैं, लमसम अमाउंट का पे आउट चुन सकते हैं, या फिर दोनों के बीच का ऑप्शन भी चुन सकते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है इंश्योरेंस लेते वक्त, क्योंकि इस स्टेप से ये तय होता है कि आपके परिवार को आपके इंश्योरेंस का फायदा कैसे मिलेगा। इसलिए आपको इसमें ये ध्यान रखना है कि अगर आप रेगुलर पे आउट चुन रहे हैं तो उसकी वैल्यू बनी रहे। वहीं अगर लमसम अमाउंट का एक ही बार में पे आउट चुन रहे हैं तो आपके परिवार में उस पैसे का सही इस्तेमाल हो सके। पॉलिसी लेते वक्त इस बात का भी जरूर ध्यान रखें कि आपको उस पॉलिसी के साथ कितना लाइफ कवर मिल रहा है, या फिर अगर आपने बहुत पहले इंश्योरेंस खरीदा था तो उम्र और जिम्मेदारियां बढ़ने के साथ ये भी जरूर देखें कि वो लाइफ कवर आपको सूट कर रहा है या नहीं। देखिए, आपका कवर हमेशा आपकी इनकम और आपकी लाइबिलिटीज को बैलेंस में लेकर चलने वाला होना चाहिए। इसलिए जिंदगी में आए कुछ हालातों के चलते ऐसा भी हो सकता है कि आपको ज्यादा कवर वाली पॉलिसी लेनी पड़ जाए। इसलिए ऐसे में हमेशा अपनी लाइबिलिटीज को देखते हुए ही अपना कवर लें और जरूरत पड़ने पर उसे अपडेट करें। इस वीडियो में मेरे साथ इतना ही। ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ।